राम राम सारे भाइयों ने। भाई थारा भाई क्या माहिला जेके आज लाइव है मिराज सांगली कोल्हापुर से कोल्हापुर में हूं मैं। तो कोल्हापुर से आज आपको कुछ दिखाने वाला हूं। तो क्या दिखाऊंगा तो एक बार एक झलक दे देता हूं आपको। ये भाई साहब है मेरे पास, इनको ऑपरेटर बनाने आया हूं, ऑपरेटर कारीगर बनाने आया हूं इनको, देख लो। रुको जरा, सबर करो। चलिए आपको शुरू से दिखाएं हम मशीन। देखिए थोड़ी सी झलक दे देता हूं, देखिए यहां से शुरुआत कर दी है मैंने। तो मशीन को इनके हाथ से खुलवाना, फिर मशीन का, ये पुरानी मशीन है, इनकी जंग साफ करके लगवाना, ऑयल डाल के रमा करवाना, फिर मशीन को चालू करवाना, ये सब इनके हाथ से होने वाला है। तो लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबसे पहले घंटी वाला बटन दबाइए और आगे देखिए कैसे कैसे इनको मैं काम सिखाता हूँ। इनको देखोगे आप भी सीखोगे, गारंटी है। इनको देखोगे करते हुए तो आप भी सीखोगे। चलिए वीडियो शुरू किया जाए। तो भाई साहब, भैया ने लिए हमसे ये मशीन है, कुछ ये मशीन लिए हैं, बारीक आइटम पे हैं। ये एक 25 पे है, इधर लिखा है 25 25, यानी कि गेज में होता है 33 गेज। ठीक है, ये मशीन है 33 गेज 25 डिवीजन का तार, और एक मशीन है ये 27 का तार और 32 गेज। ठीक है, ये दोनों नाइस आइटम पे हैं, बिल्कुल नई मशीन ली है भैया ने। एक ली है स्टील वाली हाइड्रोमैक्स, ठीक है, हाइड्रोमैक्स ली है, और इसका फिक्सर वगैरह इसमें पड़ा हुआ है, ये सब लिया है सामान। ये लिया इसलिए है, थोड़ा भैया ही बताएंगे। भाई साहब थोड़ा सा अंदर आइए। बिहड़ में बागी होते भैया के पास ये चार मशीन पहले से थी, एक ये थी और एक हाइड्रोमैक्स भी थी, वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिए हाइड्रोमैक्स इनकी पहले की ये पड़ी है। ये सब होने के बाद क्यों लिया इन्होंने, इनसे ही पूछते हैं, सर क्यों लिया आपने ये सब, ये मशीन क्यों लिया जब आपके पास पहले से था, क्यों लिया? सर ये जब मैंने मशीन ली थी, अच्छा पहले थोड़ा सा आप अगर जाहिर करना चाहें अपना नाम तो कर सकते हैं, और पहचान छुपानी है तो नहीं बोलिएगा। क्या मेरा नाम आलोक है, और मैंने ये मशीन पहले मंगवाई थी 5-6 साल पहले। अच्छा ये सारी मशीन है, तो ये कंडम हो चुकी है, ये तो जंग खा गया, ये जंग खा गया, कितना कितना जंग खा गया। जब से ये आई है 10-15 दिन चली है, उसके बाद जो ढंग से कुछ चली नहीं है मशीन। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये है कि इसमें तार छोड़े जा रही है, तार पकड़ नहीं रही है, आगे से मुंह खुल रहा है। कारीगर आया था। कारीगर ने क्या बोला मशीन के बारे में? कारीगर ने मशीन देख के ही बोला कि भैया कैसे, मतलब नई है पुरानी है, उसने कुछ खुद क्वेश्चन किया हमसे, तो हम जरा उसमें कंफ्यूज हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ये है कि बहुत दिन बाद हमने ट्राई किया, यहाँ से किसी को बुलाया, लोकल से बुलाया, देखा गया, सब कुछ किया गया, तो मैंने सर का वीडियो देखा, तो उससे पता चला, मैंने सर से भी मंगवाया, लेकिन उनके मशीन और ये मशीन में देखने के बाद जमीन आसमान का फर्क चल रहा है। जब मुझे नई लेनी थी, जब मैंने नई ली थी उस टाइप में नई दिख नहीं रही थी ये, जब अब ये नई लिया हो तो पता चल रहा है भैया नई क्या होती है, और उसमें जब वो ये नई और वो नई में कितना अंतर है। तो और गाइडेंस भी इतना बढ़िया मिल रहा है कि जो सिखाने आए थे पहले कारीगर, उनकी तरफ से जो चीज नहीं मुझे पता चली थी और जो चलनी चाहिए थी वो तो चली नहीं, अभी ऐसे सर की तरफ से गाइडेंस एक बहुत बढ़िया मिल रहा है। और भाई साहब एक बात और है, जैसे कि हमारी मशीनों पर नाम पड़ा हुआ है, इन पर कोई नाम ही नहीं है, ना तो पैर पे नाम है किसी पर भी, ना मशीन की प्लेट पर नाम, कहीं नाम नहीं है। हालांकि कुल मिला के बात ऐसी है कि अब मुझे मिल गया मौका भाई काम सिखाने का भाई साहब को। और जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 लो या 10 लो हम तो काम सिखाते हैं भाई, क्योंकि जब तक आप काम नहीं सीखोगे आप मशीन चला नहीं सकते हो, कारीगर के ऊपर डिपेंड रह के कतई भी नहीं चला पाओगे, ये गारंटी है। आधा काम तो मैं 20% काम तो सर की गाइडेंस से सीख गया, वो भी मोबाइल से फोन से। तो इनका कहना है ये वीडियो देख देख के ही 20% सीख चुके हैं, बाकी काम हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, इसको क्या कहना है, उसको क्या कहना है, अगर कभी मान लीजिए कुछ मंगाना भी रहेगा तो मुझको खुद को पता होना चाहिए कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, ये मुझे मंगाना है, ये कुछ करना है, ये पता भी होनी चाहिए, वो सर के खाली वीडियो देखने से पता चला। मराठी में बोल दो, लोगों को भी मालूम पड़े, लोग समझेंगे कि ये बनवाया हुआ वीडियो है। नहीं मराठी में भी बोल दो। नमस्कार, मी आलोक सुतार, मी एवढं सांगतो की सरांच्या कंडात मी 2 मशीन मागवले, त्या मशीन मागवल्या, जुन्या नवीन मशीन मध्ये काय फरक असतोय हे मला आता कळालंय, आणि सरांचा गायडन्स एक मस्त झालाय, फार चांगला झालाय, आणि त्यात काय की सरांच्या व्हिडिओमुळे मला 20% काम शिकायला मिळालं की कुठल्या वस्तूला काय म्हणायचं काय नाही म्हणायचं, चांगला गायडन्स झालाय सरांच्या कंडात, आणि अजून सुद्धा गायडन्स करत आहेत की काय डीप मध्ये प्रॉब्लेम आलाय, काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे।
भाई साहब मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोला भाई साहब ने, लेकिन ये समझ आ रहा है जो भी बोला है सही बोला है। तो दोस्तों मेन बात क्या है, मुझे मिल गया मौका यहाँ पे, क्या है ये चार मशीन है पुरानी पुरानी। कल मैंने भैया को अपने पास खड़ा होकर ये मशीन खोली, डीजल में धोई, फिर कसी, फिर ऑयल डाला, कुछ जो चेंजेस करने थे नट बोल्ट वगैरह जो भी वो किए, और उसमें नया डाई सेट लगाया है। अब इसको करेंगे 50 के तार पे चालू भाई साहब को काम सिखाने के लिए, ठीक है। अब ये मशीन मैंने इनके आगे खोली है, अब ये खुलवा रहा हूँ इनसे, खोलने के बाद ये डीजल में साफ करेंगे, फिर फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद फिर ये अपने आप से इसको रमा करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट रमा करने के बाद फिर इस मशीन पे इसको मैं चेक करूँगा, एक मशीन को चालू करता हूँ मैं नाइस पे, इसके बाद ये जो मशीन हमने तैयार करी है इस पर सिखाऊंगा इनको काम। क्यों, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है काम सीखने की, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार मशीन है, चार में से ये चलेगी, ये बाकी तीन बंद ही रहेंगी, तो इस पर इनको अच्छे से काम सीखने में आएगा, इनको कैसे क्या काम करना है, एक एक नट का एक एक बोल्ट का काम सीखेंगे और सीखते रहिए। क्योंकि देखिए जो मशीन आप काम करने के लिए ले रहे हैं उनसे आप काम नहीं सीख सकते हो, क्यों, अगर आप काम सीखोगे तो फिर काम नहीं होगा, काम करोगे तो काम नहीं सीखोगे, एक ही काम होता है। तो दो मशीन है काम के लिए और एक पुरानी कर देंगे और इस पे ये काम सीखते रहेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज है ना, मैं जादू मंत्र जादूगर नहीं हूं, एक दिन में दो दिन में दो घंटे में सिखा सकता हूं, कभी नहीं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको रिविजन करना है, प्रैक्टिकली करना है, और प्रैक्टिकली करने के एक मशीन एक्स्ट्रा होना जरूरी है। यहाँ भाई साहब के पास तो काफ़ी सारी हैं, तो ये प्रैक्टिकल करेंगे, मैं बताऊंगा और ये करते रहेंगे, मेरे बाद में भी फिर एक चक्कर और मारेंगे, तो मैं समझता हूँ 100 में से 70-80% काम इनको आ जाएगा। क्योंकि देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, प्रास बनाना है, बफर खुला वाला, सलाई बनानी है, चांद कटर बनाना है, टोपी, अभी तो सब कुछ रेडीमेड है। तो मैं समझता हूँ कि 8-10 नट बोल्ट है, इनका काम सीखने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हवाई जहाज भी नहीं है ये। और सर से बात करने भी तब पता चला कि जितना जो महीनी जितना डराया जाता है उतने जैसे डरने जैसा भी कोई काम नहीं है। हाँ, डरने जैसा भी नहीं है, 100% जो लोग डराते हैं वैसा भी नहीं है। तो चलिए भाई साहब को करने देते हैं काम, और आप लोगों के लिए एक वीडियो और आने वाला है, 2 दिन के अंदर वो वीडियो रहेगा आपका, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, कोई भी एक बोल्ट है उसका काम बताएंगे, बाकी जो काम होते हैं उनके वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी लेनी पड़ेगी मेंबरशिप, ओनली 199 रुपीज पर मंथ में मेंबरशिप लीजिए और वहां पर आपको मिलेंगे सीक्रेट छुपे हुए वीडियो। थैंक यू। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप जरूर हमें कमेंट में बोलिए, और अगर आपको भी कुछ भी मशीन वगैरह खरीदनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।